इधर गंगा सागर जा रहे तीन साधुओं पर पुरुलिया के काशीपुर इलाके में हमला किया गया। पता चला कि उत्तर प्रदेश से गंगा सागर मेला देखने आ रहे थे और पुलिस घटना में काशीपुर से 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अप्रत्याशित घटना पर अलग अलग हलकों से प्रतिक्रियाएं आना शुरू कर दिया गया है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कड़ी भाषा में निंदा की है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने संतों पर हमले के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अनुराग ठाकुर सवाल करते हुए ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है, उन्होंने सवाल किया है। और मैं मीडिया के मित्रों को कहता हूं, उनके पुराने वीडियोस निकाल के दिखाइए, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय अपनी आवाज उठाने की बात करते थे, आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के चलते, उनके स्वास्थ्य मंत्री 1.5 साल जेल में रहे भ्रष्टाचार के चलते, उनके शराब मंत्री शिक्षा मंत्री जेल में है, उनके सांसद जेल में है। आखिरकार इनके विधायकों से लेकर सांसदों को जेल क्यों जाना पड़ा? भ्रष्टाचार के चलते। और अराजकता फैलाने का काम, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी और इनके राजनीतिक दल ने किया है, और जब जांच होती है तो जांच से भागने का काम करते हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ठगा नहीं। ये ठगने का, लूटने का, भ्रष्टाचार का अड्डा आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जांच से क्यों भाग रहे हैं? ऐसा क्या है जिसका डर अरविंद केजरीवाल जी को सता रहा है? ऐसा क्या है कि वो जनता के सामने आकर जवाब नहीं दे पा रहे? कल तक उनको लगता था बाकी जेल जाएंगे, अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे, शायद थोड़े दिन और भागना चाहते हैं, लेकिन कानून